मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी अपडेट के साथ। मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। विशेषज्ञों की टीम मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रही है। मेदांता में आज हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। दोपहर 12 बजे के बाद यह हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। पिछले 6 दिनों से आईसीयू में ही है नेताजी। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव दिल्ली में मौजूद हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी दिल्ली में मौजूद हैं। बावजूद इसके बड़ी अपडेट यह है कि सेहत में सुधार की खबर नहीं आ रही है। हालांकि सिचुएशन स्टेबल है, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स का रिस्पॉन्स अभी उनकी बॉडी पर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी आईसीयू में है नेताजी। आज 12 बजे मेदांता से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा, जिसमें तमाम समर्थकों को इस वक्त उम्मीद होगी, जो दुआ कर रहे हैं कि इस हेल्थ बुलेटिन से कोई अच्छी खबर आए। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है गुरुग्राम से। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेदांता पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए डिप्टी सीएम के पहुंचने की खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेदांता पहुंच चुके हैं, जहां नेताजी का हालचाल जानेंगे मेदांता पहुंच करके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बड़ी खबर, गुरुग्राम पहुंचने की खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। वहां मुलायम सिंह यादव की सेहत का हालचाल जानने के लिए वो मौजूद हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पिछले 6 दिन से आईसीयू में हैं नेताजी। उनकी सेहत को जानने के लिए, हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम गुरुग्राम मेदांता पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी सनुज इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। सनुज पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम, जानकारी आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेदांता पहुंच गए हैं और मुलायम सिंह यादव का हालचाल जान रहे हैं। वो मुलायम सिंह यादव के जो आईसीयू है वहां पर भी मुलायम सिंह यादव को देख रहे हैं, और इसी के साथ ही डॉक्टर्स की जो टीम है, डॉक्टर्स की टीम से भी वो बातचीत कर रहे हैं। पहले ही ये घोषित हो गया था कि जो ब्रजेश पाठक है डिप्टी सीएम, वो मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए पहुंचेंगे, नेताजी का हालचाल जानने के लिए पहुंचेंगे। तो पूरी सुरक्षा के घेरे के बीच वो यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल जो आईसीयू के बाहर है वहां पर है, और वहाँ वो जो डॉक्टर्स की टीम है उन डॉक्टर्स की टीम से बात कर रहे हैं कि पिछले 6 दिन से नेताजी यहाँ पर भर्ती हैं और किस तरह का उनका हेल्थ अपडेट है, किस तरह की कोई सुधार की गुंजाइश है, कब तक सुधार की गुंजाइश है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिसको लेकर वो यहाँ पर डॉक्टर्स के पैनल से बात कर रहे हैं। कुछ समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और सीधा भरोसा दे रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी में पूरी तरीके से उनके साथ है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। तमाम नेता लगातार उनसे संपर्क भी साध रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि देखिए नेताजी के जो रिश्ते हैं वो किसी भी राजनीतिक दल में हो बड़े उनके करीबी रिश्ते हैं। राजनीति अपनी जगह है लेकिन रिश्ते अपनी जगह है, और जिस तरीके से दिल से नेताजी को मुलायम कहा जाता है, एक बड़े दिल वाला नेता कहा जाता है, तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि तमाम पार्टी के जो नेता है वो लगातार नेताजी का कुशल छीन जान रहे हैं, उनसे मुलाकात करने आ भी रहे हैं। तमाम जो बड़े नाम है वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार ब्रजेश पाठक उनका जो हेल्थ अपडेट है वो भी लेते रहते हैं, और आज उन्होंने खुद उनसे उनका हालचाल जानने के लिए खुद मौके पर आने की बात कही थी। और वो एग्जैक्टली पहुंचे सनुट डिप्टी सीएम कितने बजे पहुंच गए थे? मुश्किल से करीब 10 मिनट हुई है डिप्टी सीएम को यहाँ पर पहुंचे हुए। फिलहाल आईसीयू के बाहर हैं और वहाँ पर परिवार के लोगों से, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम को भी कह दिया गया है कि कोई और एक्सपर्ट और किसी और एक्सपर्ट से कहीं से कोई भी किसी तरह की वो हो तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं हम, कोई उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो पाए, और बस यही उम्मीद कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने सीधा डॉक्टर से कहा कि हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से एक अच्छी खबर ऐसी आप लोग दे दें कि हाँ नेताजी हैं, उनकी हालत में सुधार है। बिल्कुल सनुज, जैसा कि आपने अपडेट किया 10 मिनट का वक्त बीत चुका है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त नेताजी का हालचाल जान रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। नजर आप बना करके रखिए सनुज, फिलहाल अभी जो जानकारी दी इसके लिए शुक्रिया। ज्ञानवापी मामले पर आज अहम सुनवाई वाला दिन है, क्योंकि कार्बन डेटिंग पर जिला कोर्ट में फैसला आज कोर्ट सुनाएगा। ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मामले में 29 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी, और मामले में हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि एएसआई शिवलिंग के वैज्ञानिक तौर पर जांच करे कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करे। हिंदू पक्ष ने अर्घा और उसके आसपास के क्षेत्र में कार्बन डेटिंग की मांग की थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तमाम दलीलों को सुनने के बाद, और अब इस मामले में कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। तो देखिए कार्बन डेटिंग को लेकर के हिंदू पक्ष में भी दो धड़े तैयार थे,
लेकिन कुल मिलाकर के जो सबसे अहम अपडेट है वो ये है कि कार्बन डेटिंग को लेकर के कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये देखना होगा कि इसे लेकर के आज क्या फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना है, दोनों पक्षों को सुना है। कार्बन डेटिंग को लेकर एएसआई से जो मांग की जा रही है, पता लगाया जाए कार्बन डेटिंग के जरिए कि उम्र क्या है शिवलिंग की, जिससे खुलासा हो सके कि ज्ञानवापी परिसर में पाया गया ये शिवलिंग कितना साल पुराना है, ताकि उस वक्त के काल से जोड़ करके इसकी उम्र का पता लगाया जा सके। इसके लिए एएसआई को कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करना होगा। अब यहां देखना है कि कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद क्या फैसला लिया है। फैसला लिया जा चुका है, फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, और आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि इस फैसले को साझा किया जाएगा, सुनाया जाएगा। तो क्यों कह रहे हैं ज्ञानवापी पर कार्बन सस्पेंस, समझते हैं। देखिए, ज्ञानवापी के केस में आज का दिन बहुत अहम बताया जा रहा है। कार्बन डेटिंग को लेकर के आज फैसला आ सकता है। सर्वे के दौरान एक कथित शिवलिंग मिला। अब कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग उठी है। जिला जज की अदालत आज फैसला सुनाएगी। अगर पिछले सुनवाई की आप बात करें तो वहां दलीलों को सुनकर के फैसले को सुरक्षित रखा गया था। और देखिए, कार्बन डेटिंग ऐसा मसला है जिसे लेकर के हिंदू पक्ष में भी दो फाड़ थे। जितेंद्र सिंह बिसेन कार्बन डेटिंग के विरोध में थे, उनको लगता था कि शिवलिंग पे खरोंच लगा करके कार्बन डेटिंग ना की जाए। दूसरा पक्ष कार्बन डेटिंग की मांग कर रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आज विश्वेश्वर विराजमान पर सुनवाई हो जाएगी। आखिर कार्बन डेटिंग होनी है या नहीं, ये समझ जाएंगे हम। लेकिन कार्बन डेटिंग है क्या, क्या है ये प्रोसेस, आइए समझते हैं। देखिए, वस्तु या इंसान की आयु पता लगाने का तरीका है। वैज्ञानिक तरीके से कार्रवाई की जाती है। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। कार्बन से बनी चीजों पर रिसर्च की जाती है, जिसका अपना एक प्रिंट होता है। दीवार की चित्रकारी की भी आयु का पता कार्बन डेटिंग से लगाया जाता है। तो किसी जीवाश्म का पता लगाना हो या फिर किसी भी चीज जिसमें कार्बन है, कार्बन डेटिंग के जरिए उम्र का पता लगाया जाता है। ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग की उम्र क्या है, ये पता लगाया जा सकता है। हम तस्वीरें मेदांता से मिल रही हैं, डिप्टी सीएम, और हमने चिकित्सकों से भी बात की है कि वो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा सभी चिकित्सकों ने हमसे कहा है। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी शीघ्र स्वस्थ होकर दोबारा काम पर लौटे। सर, मुलायम सिंह के साथ आपके कोई संस्मरण हो जो इस समय आप कहना चाहते हैं उनको, शिक्षकों से? अभी नेताजी के हम मतलब जब हम छात्र राजनीति में थे तभी से हम लोग नेताजी को पास से देखे हैं। वास्तव में उनका उत्तर प्रदेश में बहुत सम्मान है। सर, जब आपने चिकित्सकों से बातचीत किया तो क्या कहा है आपको? अभी वो गहन चिकित्सा में हैं और बाकी अस्पताल के जो मेडिकल बुलेटिन से जारी होगा वो लोग बताएंगे और परिजन विस्तृत विवरण आपको दे सकते हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप आए हैं, अंदर परिवार से आपकी क्या बातचीत हुई है, परिवार को आपने सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया? हमने पूरी तरह से सरकार आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के स्वास्थ्य के लिए चिंतित है और सब कुछ करेगी शीघ्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी स्वस्थ होकर वापस आए, और हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। तो सुना आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यही कहना है कि सरकार की तरफ से जरूर आए हैं, लेकिन नेताजी से जो संबंध है वो किसी से छिपे नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अखाड़े में उनके दांव पेच को सबने देखा है, लेकिन इसके साथ एक अलग सियासी रिश्ता रहा है। हर किसी के साथ मुस्कुरा करके नेताजी मिला करते हैं। ऐसे में प्रदेश के डिप्टी सीएम भले ही मिलने आए हों सरकार की ओर से, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सभी चिंतित हैं नेताजी के स्वास्थ्य को लेकर, कहीं कोई आवश्यकता होने पर हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। लेकिन मुलायम सिंह के परिवार से मिल करके, उनके हालचाल को जान करके, इसके साथ मेदांता के जितने भी स्टाफ हैं जो इस वक्त ट्रीटमेंट में लगे हैं, इलाज में लगे हैं नेताजी के, तो उन लोगों से भी मिलकर के डिप्टी सीएम गए हैं। साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि हम नेताजी के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं। उनका जो योगदान रहा है और जो उनके सियासी सफर में रिश्ते बने हैं किसी भी दल से, उस रिश्ते की वजह से भी लोगों के अंदर एक अलग भावना रहती है। दल और विरोध तमाम चीजों से ऊपर उठकर लोग उन्हें देखते हैं। ऐसे में मुलायम सिंह जी के स्वस्थ होने की कामना करते हैं, ऐसा कहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। 10-15 मिनट के करीब उन्होंने वक्त बिताया। इस दरमियान जो इंटरनल सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने देखा आईसीयू में जितनी भी परमिशन होती है नेताजी को, और डॉक्टर से बात की, वहां मौजूद जितने परिवारजन थे उनसे बातचीत की।
आज वाराणसी में बहुत हलचल रहने वाली है। वजह यह है कि कार्बन डेटिंग पर फैसला आने वाला है कोर्ट से कि आखिरकार कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर आज ताजा हलचल क्या है, काशी में किस तरीके की खबर आ रही है, ये समझने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का। नीतीश, देखिए आज की सुनवाई के बाद जो फैसला आ रहा है, ये जो फैसला आ रहा है अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि कार्बन डेटिंग को लेकर के दो धड़े दिखाई दे रहे हैं हिंदू पक्ष में भी, तो यानी पक्ष और वादी प्रतिवादी के अलावा पक्ष में भी दो धड़े हैं। क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल बन रहा है, बातें कैसी चल रही हैं? देखिए बातें अगर करें तो बातें सिर्फ यही है कि पक्ष बनाम पक्ष हो चुका है इस पूरे मामले में। कार्बन डेटिंग बात करें विष्णु शंकर जैन वाले धड़े की, तो विष्णु शंकर जैन का जो धड़ा है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि सिर्फ कार्बन डेटिंग नहीं, कोई भी वैज्ञानिक विधि हो, किसी भी वैज्ञानिक विधि द्वारा जो शिवलिंग है उसकी उम्र का पता लगाया जा सके, इसके साथ ही जो पूरा परिसर है उसकी उस वक्त की जो स्थिति है उसका पता लगाया जा सके, इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इसके साथ ही जो दूसरा धड़ा है, जो जितेंद्र सिंह बिसेन वाला धड़ा है, उसका ये कहना है कि कोई भी वैज्ञानिक विधि होगी वो शिवलिंग के साथ कुछ तत्व लेगी और तब फिर कार्बन डेटिंग करेगी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं शिवलिंग के साथ दिक्कत है और ये नहीं होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले पर शांत दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हिंदू पक्ष ही दो धड़ों में बटा हो तो मुस्लिम पक्ष को बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज 2 बजे के बाद इसको सुनाएगा कोर्ट कि आखिर कार्बन डेटिंग या फिर अन्य कोई वैज्ञानिक विधि द्वारा इसको पूरी तरह से सामने लाने का एक आदेश आता है या क्या होता है। अगर आदेश आता है तो पिछला जो सर्वे हुआ था उसके बाद अब वैज्ञानिक सर्वे की ओर ये जो केस है वो बढ़ेगा आगे। अब ये देखना होगा कि क्या वैज्ञानिक सर्वे की ओर बढ़ता है। अच्छा, लेकिन जिला जज के क्या कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पक्ष में ही ये दोनों कार्बन डेटिंग के लिए आमने सामने जो दो धड़े दिखाई दे रहे हैं उनको बिठा करके बातचीत किया जा सके? देखिए स्नेहलता, दोनों पक्ष की मैं बात कर रहा हूं, जो एक हिंदू पक्ष के दो धड़े हैं वो साफ तौर पर एक दूसरे के विरोधी खेमे में आ चुके हैं, किसी भी पक्ष पर दोनों मानने को तैयार नहीं होते हैं। जो विष्णु शंकर जैन वाला झड़ा है और इसके साथ ही जो 4 महिलावादीगण हैं उन्होंने कह दिया साफ तौर पे कि जो जितेंद्र सिंह बिसेन यानी राखी सिंह वाला जो पक्ष है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ साथ रहें और साथ रहना है तो रहें, नहीं तो जहां अपने केस को रखना है वो रख के लड़ सकते हैं। यानी 4 एक साथ हैं और बाकी जो हैं वो अलग अपने धड़े को लेकर इस पूरे केस में सामने आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सुलह समझौते की स्थितियां तो बनती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब आगे आने वाले दिनों में कोई ऐसा मंच हो, कोई ऐसी जगह हो चुकी जिस तरह से ये पूरा मामला एक बार हाइप पर आया और हाइप पर आने के बाद विष्णु शंकर जैन के यहाँ पे प्रमुखता अगुवाई में यहाँ पर जिस तरह से 4 महिलावादीगण और उसके बाद देखिए एक तरफ विज्ञान है, जीवाश्मों से इसकी उम्र का पता लगाने की जो प्रक्रिया है वो एसआई अपने प्रोसेस के जरिए ही कर सकता है और सबूतों की जरूरत कोर्ट को है, लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक भावनाएं हैं कि शिवलिंग पर ऐसे हाथ नहीं लगाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि आज के फैसले के बाद किस तरीके से एक ही पक्ष के दो धड़ों का रिस्पॉन्स होता है ना। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। श्रावस्ती से आई खबर का जिक्र करते हैं, लगातार बारिश, मतलब जिले के 50 से अधिक गाँव जलमग्न हो चुके हैं। कंडीशन ये है कि जिला मुख्यालय जाने वाली सड़क पर भी पानी ही पानी है। उल्ला पावर हाउस में पानी घुसने से बिजली का संकट हो चुका है। बहराइच से जमुना जाने वाली सड़क पर पानी भर चुका है। भिंगा से जमुना तहसील का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। अंदाजा लगाइए आप, अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये जाते हुए मॉनसून की तस्वीरें हैं जिसे देख करके अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये जुलाई अगस्त की तस्वीरें या अक्टूबर की, लेकिन कुल मिलाकर के कंडीशन इतनी बुरी है कि जगह जगह से संपर्क टूटा है। इतनी तेज धारे के बीच में क्या इंसान क्या गाड़ी कुछ भी नहीं चल सकता और यही हालत है। श्रावस्ती की ये तस्वीरें हैं, घरों से निकलना मुश्किल है, बिजली गुल। बस्ती की बात कर लें, यहां पर भी पिछले कई घंटों से बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त। यहां गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी है। नगर पंचायत के कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर पानी दाखिल हो चुका है। लोगों को घरों से बाहर निकला कैसे जाए समझ नहीं आ रहा। साउघाट ब्लॉक परिसर है, कार्यालय के बाहर सब पानी पानी है। सरकारी कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत आ रही है।
कई वार्ड में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं। बारिश ने नगर पंचायत नगर पालिका की पोल खोल करके रख दी है। ये देखिए आप, अगर नालियों की सफाई रख रखाव सही वक्त पर होता तो ये कंडीशन नहीं होती। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अन्नदाता किसान को, धान की पकी फसल और इस वक्त जो पानी की वजह से हालत दिखाई दे रही है, इससे किसानों को बड़ी निराशा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने डेडलाइन दी है 15 नवंबर की, इस अभियान को पूरा करने के लिए कहा गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि सड़क निर्माण के साथ साथ उसके रखरखाव की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सड़क निर्माण से जुड़े जितने विभाग हैं, इस संबंध में व्यापक कार्य योजना तैयार करें, अच्छी प्लानिंग करें और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ उसे एग्जीक्यूट करें। औद्योगिक क्षेत्र हो या कृषि मंडी क्षेत्र, अच्छी सड़कों का होना बहुत जरूरी है, आम लोगों को नुकसान ना हो, इसे ध्यान में रख करके ये बड़ा फैसला। डेडलाइन 15 नवंबर। तो बिल्कुल सरकार का गड्ढा भरो अल्टीमेटम क्या है, आइए समझते हैं पॉइंट्स दर पॉइंट्स। तो प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत होगी, ये निर्देश आ चुका है। डेडलाइन है कि 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त होना चाहिए प्रदेश, ये बात साफ की गई है। अब गांव से लेकर शहर तक ये अभियान चलाया जाएगा, निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा और पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर निर्माण की कार्य योजना तैयार की जाएगी। यानी हर हाल में सड़कों को ढंग का कीजिए, मरम्मत कीजिए, गड्ढा अब नहीं चलेगा। डेडलाइन ये है कि आप अनंत काल तक ये गड्ढा भरो अभियान में नहीं लगे रहेंगे। 15 नवंबर तक गांव शहर जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, अल्टीमेटम दे दिया गया है। और इसके अलावा देखना ये होगा कि इस पर किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, उस पर भी एबीपी गंगा आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाता रहेगा। लखनऊ से खबर है, गोला गोकर्ण नाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी पर मंथन की खबर मिल रही है। कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में 5 नामों पर चर्चा है। पूर्व विधायक के बेटे अमन गिरी पर दांव लगा सकती है बीजेपी, ये बड़ी खबर है। बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी, तो सिंपथी वोट्स पर कब्जा जमाने के लिए हो सकता है कि विधायक अरविंद गिरी के बेटे पर दांव खेले बीजेपी, ये बड़ी खबर मिल रही है। कल ही बीजेपी खेमे में एक बड़ी बैठक हुई है और 5 नामों को लेकर के बातें चल रही हैं, ये जानकारी आ रही है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी पर मंथन का दौर चल रहा है। आपको बताएं, अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस पर उपचुनाव होना है। कल तक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में 5 नामों की चर्चा की खबर आ रही है। मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पर दशहरे की शुभकामनाएं दी और इसी कारण वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनके इस ट्वीट को धर्म से जोड़कर उन्हें भला बुरा कहा। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो उन्हें नाम बदलने की नसीहत दे डाली। वहीं शमी के गांव के लोग उनके समर्थन में उतर आए। तो देखिए, मोहम्मद शमी ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और उसके बाद से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। तरह तरह की बातें करते लोग नजर आए। यूजर्स ने ये नसीहत दे दी कि आप अपना नाम बदल लीजिए। वो सही है, बिल्कुल सही है। हलाल भी देनी चाहिए हिंदू मुस्लिम दोनों को। हमेशा क्यों शमी के साथ ये सब? ये लोग जलन है, जो इसमें जलन होती है लोगों को। क्या वजह लगती है? वजह है कि जलन है बस, आदमी जलता आगे क्यों बोल के पोस्ट करे। किस चीज को लेकर जलन? पैसे को देख के जलन, और क्या? सबसे मेन चीज तो पैसे ही है, प्रॉपर्टी सबके, उसके बाद अल्लाह ने सब कुछ है। लोग ये कहते हैं कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे ये कुछ सिलेक्शन नहीं है, तो मानस मालिक है वो, जो अच्छा खेला सिलेक्शन होगा, ना खेला हलाऊंगा। बात खत्म। वजह बस यही है कि दो साइड होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जो निगेटिव सोच रखेंगे वो निगेटिव देंगे सोच, जो पॉजिटिव रखेंगे वो पॉजिटिव देंगे। इसमें इतना वो नहीं है, लोग हर तरह के हैं, दुनिया ही हर तरह का लोग होता है। बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादातर जो है वो शमी के साथ घेराबंदी की जाती है। अब जितना फेमस होगा, जितना फेम में होगा आदमी, इतना ही वो रहता है उसी का, तो बस यही है। और कोई इतना फेमस शायद इंडिया टीम में एक प्लेयर है मोहम्मद शमी, कभी जहीर खान थे, कभी अब मोहम्मद शमी है, तो और कोई इतना फेमस नहीं है, तो उन्हीं बनाएंगे जिनका फेम होगा, करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।